ब्रेक के बाद अहम खबर श्रीगंगानगर से आ रही है, जहां टिकटॉक स्टार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतक की शिनाख्त समीर बिड्ढा के रूप में हुई है। मृतक किराना व्यापारी का इकलौता पुत्र था। टिकटॉक पर राजस्थान की टॉप 5 में शामिल था। दिल्ली में टिकटॉक के कार्यक्रम में आमंत्रित भी था समीर। जवाहरनगर थाना इलाके की ये घटना, जहां टिकटॉक स्टार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। प्रदेश के 5 टॉप 5 टिकटॉक स्टार में ये शुमार था। जवाहरनगर थाना इलाके की ये घटना है, जहां इसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। हालांकि क्या कारण था, क्या वजह थी, ये अब तक साफ नहीं आया है, लेकिन समीर मिड्ढा के रूप में मृतक की शिनाख्त हो चुकी है। किराना व्यापारी का इकलौता पुत्र था समीर। टिकटॉक पर राजस्थान के टॉप 5 में यह शुमार था, लेकिन फांसी लगाकर इसने आत्महत्या क्यों की, ये बेहद अहम सवाल जिसे लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। संवाददाता सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस टिकटॉक स्टार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? बिल्कुल, आपको बता दूं, ये जो फांसी लगाने वाला युवक है, ये समीर मिड्ढा के नाम से युवक है और इकलौता जो व्यापारी है उसका इकलौता पुत्र था। इसने ये आत्महत्या की है फांसी लगा करके। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि टिकटॉक के अंदर, ये राजस्थान के अंदर 5वां नंबर था। लगातार टिकटॉक पे वायरल वीडियो करने पे गंगानगर नहीं, प्रदेश भर में ये मशहूर था। अचानक इसने जो फांसी लगा के आत्महत्या की, इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और जो पास से कोई नोट या ऐसा कुछ लिखा हो, वो पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर रही है। थोड़ी देर बाद में इसमें पूरा अपडेट मिल पाएगा। फिलहाल जो सब है उसको सरकारी अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है और परिजनों से बातचीत चल रही है पुलिस की। सुनील, इसने सुसाइड कहां पर किया? सुसाइड इसने घर में ही कमरे में फंदा लगाकर इसने सुसाइड किया है। और जैसे ही परिजन सुबह उठे और काफी देर तक कमरा खुला नहीं, तो उसके बाद में कमरे में गए तो उसका जो शव था वो फंदे पे लटका हुआ था। तो उसके बाद में पुलिस को बुलाया गया और डॉक्टरों के पास ले जाया गया, तो वहाँ पे तो मृत घोषित हो चुका था। और जो शव है जो अभी मोर्चे में रखवाया है, सुसाइड नोट मिला है क्या? सुनील, सुसाइड नोट मिला है क्या? अब बिल्कुल, सुसाइड नोट के बारे में अभी तक पुलिस है जो कुछ बता नहीं रही है। सुसाइड नोट मिला है नहीं मिला, ये थोड़ी देर में ये पता लगेगा। सुसाइड नोट के लिए मीडिया से बातचीत हो रही है, सुसाइड नोट इसके बाद मिला है नहीं मिला है, हालांकि परिजन है और पुलिस है। चलिए बिल्कुल, सुनील आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जांच इस मामले को लेकर हो रही है, वजह भी सामने आएगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस मामले को लेकर। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी के लिए।